नमस्कार, आप देख रहे हैं इज टीवी। अभी मैं मौजूद हूँ जहानाबाद में, और जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे पीछे एक डेंटल हॉस्पिटल है जहाँ के डॉक्टर है डॉक्टर अमरजीत कुमार। क्लिनिक का नाम है शांति डेंटल। अभी काफ़ी गर्मी चल रहा है और गर्मियों के मौसम में लोग आइसक्रीम्स कोल्ड ड्रिंक्स पीना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, मीठा भी बहुत खाते हैं। इस बीच में हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि इस गर्मी के मौसम में अपनी दांतों की रक्षा हम लोग किस तरह से कर सकते हैं, और डॉक्टर साहब से ये भी जानेंगे कि जितने भी गम्स होते हैं, जितने भी कीटाणु होते हैं, उसे किस तरह से ख़त्म किया जा सकता है। तो आइए उनसे मिलते हैं और बात करते हैं। तो आइए हम लोग डॉक्टर से मिलते हैं, डॉक्टर अमरजीत जी से, और उनसे जानते हैं। पहले तो उनसे जानते हैं कि वो क्या कुछ देना चाहते हैं टिप्स हमारे दर्शकों को। तो आइए मिलते हैं इनसे। सर, आप कुछ खास इस गर्मी के मौसम में क्या कुछ खास किया जा सकता है जिससे लोग अपनी दांतों की रक्षा करें, क्योंकि लोग इस बीच बहुत सारे आइसक्रीम्स खाते हैं, मीठा खाते हैं, जिससे बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं, तो उसके लिए कुछ बताइए आप। गर्मी के दिनों में सबसे पहला फैक्टर तो है कि मुंह में ड्राइनेस ज़्यादा होता है, हाँ, और ड्राइनेस की वजह से दांत में कीड़ा लगने का प्रक्रिया है वो बढ़ जाता है। तो और ऐसे भी हेल्थ इशू को लेकर समय समय पर पानी पीना चाहिए, माउथ को ड्राई नहीं होने देना चाहिए। और जहाँ तक सवाल है ठंडा मीठा गर्म खाने का, तो टेक्निकली एक तो है कि अगर आपके दांत में प्रॉब्लम होगा तो ठंडा खाने से पता भी चल जाएगा कि दिक्कत है, और ठंडा खाने से कुछ होता नहीं है दांत पे, कोई खास असर नहीं है, ऐसा नहीं है। ठंडा तो लोग खाते हैं पीते हैं, कोई ऐसा नहीं है कि बीमारी डेवलप हो। कुछ लोगों को बहुत ही ज़्यादा दांत जो होता है ना सेंसिटिव होता है, तो उसके लिए क्या करनी चाहिए जिससे सिहलता है, बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है खाने से? सहलने का दो रीज़न हो सकता है, एक तो है कि आपका दांत कहीं पे घिसा हुआ हो, सड़ा हुआ हो, वो सहल सकता है। अदरवाइज ऐसा नहीं है कि बहुत सहलेगा दांत, तो अपने नज़दीकी दंत चिकित्सक से उनको एक बार मिलना चाहिए कि हम जब भी खाना खाते हैं या कुछ मीठा खाते हैं, ठंडा खाते हैं, तो मेरा दांत गनगनाता है, तो वो फाइंड आउट करके बता सकते हैं कि आखिर दिक्कत क्या है, दांत घिसा हुआ है या सड़ा हुआ है। ये जो क्लिनिक है इसके बारे में आप क्या कुछ बताना चाहेंगे? यहाँ पर ये क्लिनिक खोलने के पीछे आपका मकसद क्या था, क्या सोच के आपने यहाँ खोला है? क्लिनिक खोलने का मकसद एक तो घर है मेरा, तो हमको कहीं ना कहीं तो काम करना ही था। अच्छा, ये होम टाउन में खोलने के पीछे? होम टाउन में खोलने के पीछे थोड़ा इमोशंस है कि घर से जुड़े इन लोगों को सेवा दें जितना अधिक से अधिक हो। हम लोग डेंटिस्ट्री में काफ़ी हाईटेक हैंड एक्सरे रखे हुए हैं, ओपीजी मशीन है। लोग सुविधा के तौर पे सबसे पहले टेढ़े मेढ़े दांत का इलाज करते हैं, जिसमें ब्रेसलेट लगा के दांत सीधा किया जाता है। आरसीटी करते हैं, जो बिना दांत को निकाले उसका दर्द दूर करते हैं, सड़ा हुआ रहता है तो साफ करके भर के बनाते हैं दांत को। तीसरी चीज़ है दांत साफ करते हैं अगर किसी को दिक्कत है तो, दांत निकालने का काम करते हैं, दांत बनाने का काम करते हैं। कुछ चार्जेस के बारे में भी बता दीजिए हमारे दर्शकों को। चार्जेस मिनिमम है मेरे यहाँ, 100 रुपये का फीस है, और दांत निकालने का भी कम ही है जितना होता है, मतलब एवरेज से कम है। हाँ, सहयोग के दृष्टि से ही काम करते हैं अधिक से अधिक, और हम लोगों से भी यही अपेक्षा रखते हैं कि अगर इकोनॉमिकली कोई दिक्कत है तो वो मेरे साथ शेयर करें, हम इलाज करने को तैयार। तो जैसा कि आपने देखा कि आज के समय में भी ऐसे डॉक्टर हमारे पास हैं जो कि अपने होम टाउन में सेवा की भावना रखते हैं। सबसे अच्छी बात तो ये है कि डॉक्टर्स का कहना ये है कि अगर जिनको इकोनॉमिकल प्रॉब्लम हो, जिनको पैसों की तंगी हो, वो इनसे अगर आकर के अपनी समस्याएं बताते हैं तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट या फिर मिनिमम जो उनका चार्ज आ रहा है, जो मिनिमम हो सकता है, उस रेट पर भी ये करने को तैयार है। मेरा नाम संतोष कुमार हुआ। संतोष जी, आप ट्रीटमेंट के लिए कब से आ रहे हैं यहाँ पे? यहाँ तो हम पिछले 2-2.5 साल से आ रहे हैं। क्या प्रॉब्लम क्या हो रहा है जी? हम अपने भाई को भी यहाँ से ट्रीटमेंट करवाया है तो उनको भी अच्छा रिलीफ मिला। फिलहाल अभी आपको क्या प्रॉब्लम? मेरा दांत में प्रॉब्लम था, दर्द था, वो दांत को आरसीटी करवा रहे हैं। अच्छा, आरसीटी करवा रहे जी। तो आप सेटिस्फाइड हैं? हाँ, सेटिस्फाइड। डॉक्टर साहब किस तरह से कोऑपरेटिव हैं? बहुत अच्छी तरीका से, जिस तरीका से हम इनसे सेवा लेना चाह रहे हैं उस तरीका से दे रहे हैं। हम लोग ये चीज़ जानेंगे कि ये जो शांति क्लिनिक है ये कहाँ पे है जहानाबाद में, तो सर से एक बार बात कर लेते हैं। सर, कहाँ पे है ये? दर्धा पुल के समीप है, दर्धा पुल से दक्षिण इंडसइंड बैंक के ऊपर है, और डॉक्टर गिरजेश सर के सामने है क्लिनिक शांति डेंटल।